हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवेकन ब्रेन्स। आप सबका अवेकन ब्रेन्स पे स्वागत है, लर्न एनी टाइम लर्न एनी वेयर के मोटो के साथ। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसके बारे में बच्चे काफ़ी परेशान हैं। अभी तक कट ऑफ मेरिट जो है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, गूगल पे। लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ पे आज क्लियर करने वाला हूँ कि एक्चुअल में कट ऑफ की बात तो सही है, आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर होगी, उस पर क्या फॉर्मूला लगेगा, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है किस क्राइटेरिया को फॉलो करने वाला है। यह अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि इनने एक नोटिफिकेशन निकाला था। पहले मैं आपको इसकी डेट बता देता हूँ, यह है 19 जनवरी 2022 का नोटिफिकेशन, ठीक आपके एग्जाम से पहले। इन्होंने कहा था अडॉप्शन ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपाइलेशन ऑफ एग्जामिनेशन स्कोर्स ऑफ फॉर द मल्टी सेशन स्लॉट पेपर्स फॉर द वेरियस पोस्ट जूनियर असिस्टेंट कार्डेक्स क्लर्क वगैरह। इन होल सब में जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, कंपाइलेशन का प्रोसीजर होगा, जो सिलेक्शन लिस्ट का या स्कोर्स जो है कंपाइल होंगे, वो किस मेथड पे होंगे। तो इन्होंने यहाँ पे हमें मेथड बताने की कोशिश की है, ये पब्लिक डोमेन में इन्होंने पहले लाया था। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से इक्वेटिंग ऑफ स्कोर ऑन मल्टी फॉर्म्स, तो व्हाट इज इक्वेटिंग ऑफ स्कोर्स ऑन मल्टी टेस्ट फॉर्म्स आल्सो नाउन एज मल्टी टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स नीडेड। तो यहाँ पे ये है कि मास कंडक्टेड एंड लार्ज स्केल हाई स्टेक टेस्ट और एग्जामिनेशंस जो है स्प्रेड हुए हैं, अ विंडो ऑफ सेवरल डेज एंड सेवरल एडमिनिस्ट्रेशंस, इट हैज़ नॉट बीन प्रैक्टिकली पॉसिबल टू यूज़ अ सिंगल फॉर्म ऑफ टेस्ट इन अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इनने मोटी मोटी बातें ये कही हैं कि जब बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ये लार्ज जो है कैंडिडेट्स का टेस्ट करवाना जो है आजकल हैक्टिक हो जाता है। उसके अलावा मैं यहाँ पे दूसरी बात करूँगा कि व्हाट इज़ इक्वेटिंग एंड व्हाट आर इट्स रिजल्ट्स। तो इनने कहा है कि इक्वेटिंग इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस दैट इज़ यूज टू एडजस्ट स्कोर्स ऑन टेस्ट फॉर्म सो दैट स्कोर्स ऑन द फॉर्म्स कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। तो इंटरचेंजेबली में इट एडजस्ट फॉर डिफरेंसेज इन डिफिकल्टी अमंग द फॉर्म्स दैट आर बिल्ड टू बी सिमिलर इन डिफिकल्टी एंड कंटेंट। मीन्स कि ये जो डिफिकल्ट पेपर होता है, ईजी पेपर होता है, उसको भी बैलेंस करता है। आर देयर सेवरल मैथड्स ऑफ इक्वेटिंग, तो इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे कि ये बहुत सारे मैथड्स हैं इक्वेटिंग के, मीन्स इक्वेटिंग है, मिड इन इक्वेटिंग है, लीनियर इक्वेटिंग है, उसके बाद इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग है, इक्वेटिंग यूजिंग आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी है, एंकर टेस्टिंग जो है वो सिस्टम है। तो अब यहाँ पे इनने कहा फॉर द गिवन एग्जामिनेशन, अब JKSSB इन सारे मैथड्स में से ये वाला मेथड जो है अप्लाई करने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग मेथड विल ओनली बी यूज्ड। इतने सारे मेथड्स में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेथड्स में से ये नंबर 4 वाला मेथड जो है वो यूज करने वाले हैं, इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग मेथड। अब इस तरह से ये मेथड यूज होगा, और इसी मेथड को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे परसेंटाइल रैंक्स फॉर अ गिवन रॉ स्कोर्स इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट हु स्कोर्स बिलो दिस मार्क्स। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, आगे मैं समझाऊंगा। तो ये है इनका मेथड जो इन्होंने पहले ही अनाउंस किया था इक्वी परसेंटाइल मेथड के बेस पे। तो चलो हम समझते हैं ये मेथड है क्या, ठीक है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे सबसे पहले कि टाइप टेस्ट जो है आपका 20 मार्क्स का हुआ, CBT एग्जाम 80 मार्क्स का हुआ, और ये 3 दिनों में अलग अलग डेज में हुआ, 20 जैन को, 21 जैन को, 24 जैन को ये टेस्ट हुए कुछ, क्योंकि 22nd का एग्ज़ाम है 24th को हो चुका था। तो टोटल 3 दिन आपके टेस्ट हुए। उसके बाद अगर आप शिफ्ट की बात करें तो टोटल 3 दिनों की, अगर एक दिन में 2 शिफ्ट लगती हैं तो 3 दिन में 6 शिफ्ट लगेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जम्मू की भी फॉर सपोज करके 6 शिफ्ट रखी हैं, कश्मीर की भी 6 शिफ्ट रखी हैं। और उसमें मैंने एक बात कही है कि सपोज रखो अगर आपके एक शिफ्ट में 150 बच्चा है, 150 बच्चा है, तो अब परसेंटाइल फार्मूला जो है वो कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल मैंने सिंपल सी बात करने की कोशिश की है। तो इक्वी परसेंटाइल मेथड जो है, ये परसेंटाइल के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि जितना आप अपनी शिफ्ट में अच्छा कर पाओगे,
आपको उतना ही अच्छा करना था। चलो अब जो हो चुका है हो गया है, लेकिन जो रिजल्ट आपके आप कहेंगे या जो आपका शो ऑफ होगा रिजल्ट, वो आपकी शिफ्ट में आपने कितना अच्छा रैंक स्कोर किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्विटाइल जो है परसेंटाइल मेथड फार्मूला जो है इन्होंने जो अप्लाई किया है, व्हाट इज परसेंटाइल फार्मूला, तो परसेंटाइल फार्मूला में यहाँ पे आप देखेंगे ये है परसेंटाइल रैंक ऑफ अ कैंडिडेट इज इक्वल टू किसके बराबर बनता है। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि टोटल कैंडिडेट्स जो है शिफ्ट में कितने हैं ये देखा जाएगा, उसमें से माइनस करके रैंक ऑफ अ कैंडिडेट इन दैट शिफ्ट, तो आपका रैंक जो है कैंडिडेट का रैंक जो है शिफ्ट में क्या होगा। इट डजंट मैटर कि जो है दूसरे दिन किसने अच्छा किया, चौथे दिन किसने अच्छा किया, दूसरी वाली शिफ्ट या पहली वाली शिफ्ट में किसने अच्छा किया, आपकी अपनी शिफ्ट जो होगी। अगर मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग में जो है देखा जाएगा टोटल कितने हैं शिफ्ट में कैंडिडेट्स, फिर उन कैंडिडेट्स का उस पर्टिकुलर शिफ्ट में उसका क्या स्कोर है और क्या रैंक है ये देखा जाएगा। उसके बाद डिवाइड किया जाएगा टोटल कैंडिडेट्स उस शिफ्ट में कितने हैं माइनस वन करके, और इनटू जो है यहाँ पे माइनस वन करना है टोटल शिफ्ट में कितने हैं उससे माइनस वन, और यहाँ पे इनटू 100 कर देना है। तो अब और ज़्यादा इसको सिंपल करते हैं, तो सपोज मैंने कहा कि अगर 150 बच्चे एक शिफ्ट में हैं, ये अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना कि आपका अपनी शिफ्ट में जितना अच्छा रैंक होगा आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके लिए मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊंगा बाद में, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल 150 बच्चे हैं अगर आपकी शिफ्ट में, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, तो कोई भी शिफ्ट आपकी अगर 150 बच्चा है और आपके मार्क्स आते हैं सपोज करके वहाँ पे 62 मार्क्स आते हैं, ये मार्क्स हैं आपकी 62 मार्क्स, और आपका टोटल रैंक बनता है उस शिफ्ट में 17 नंबर पे आप आते हैं, ठीक है। 62 मींस कि आपके अलावा और भी बच्चे हैं जिनके कम हैं ज़्यादा हैं, तो आपका पहले तो मार्क्स आपके 62 बने और उस शिफ्ट में आप 150 बच्चे में से 17वें नंबर पे हो, 17वें नंबर पे हो, ठीक है। अब क्या होगा, उसको डिवाइड करना है इन्होंने कि शिफ्ट में कितने बच्चे थे, 150 बच्चे थे, अब 150 माइनस वन कर देना, आपका वाला माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस वन जब होगा यहाँ पे वो बनता है टोटल 149, तो 149 तो पहले 150 माइनस आपका रैंक स्कोर के अकॉर्डिंगली, आपके स्कोर जब उनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो वहाँ पे स्कोर जो है आपका जो भी होगा, फॉर एग्जांपल मैंने 62 रखा या 65 जो भी होगा, अगर आपका वो स्कोर जो है आपका रैंक देता है आपकी शिफ्ट के अंदर 150 बच्चों में से आप 17वें नंबर पे हो, उसको डिवाइड करेंगे वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 150 माइनस 1 करके, तो वो बनता है 149, कितना बनता है 149 इनटू उसको 100 कर देना है, तो वो आपका परसेंटाइल जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा सामने। तो अब मैं इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये यहाँ पे क्या हुआ, एक मिनट। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे ये है रिजल्ट स्कोर शीट ऑफ कैंडिडेट्स जो है कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट, इनका भी हुआ था जूनियर सुपरवाइजर का और सब ऑडिटर का, इनका कैसे अब बना था वही यहाँ समझने की कोशिश करनी है आपने भी जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे। ये देखो यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखो आप कि ये जो मानिक सडोत्रा है जो भी बच्चा ये है, इसने रैंक 1 हासिल किया था अपनी शिफ्ट में, तो इसको जो है वो घोषित कर दिया गया 100 परसेंटाइल। यहाँ पे आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि जो भी अपनी शिफ्ट का टॉपर होगा चाहे उसके 80 में से जो है 25 ही नंबर क्यों ना बने, अगर वो 25 नंबर लेकर सबसे ऊपर है, उससे नीचे सबके ये जो है मार्क्स हैं 24 हैं 23 हैं, तो ये जो 80 में से 25 जो आ रहा है आपकी शिफ्ट में टॉपर है, सपोज मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरा स्कोर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर अब यहाँ पे आपने समझने की कोशिश करनी, सबसे पहले अगर आपके शिफ्ट में 80 में से किसी बच्चे के हैं 76, तो ये जो है ये इससे ऊपर अगर किसी का स्कोर नहीं है तो ये आपकी शिफ्ट का टॉपर हो गया, बाकियों के 75 है, 73 है, 70 है, तो ये जो ये 76 वाला है ये 100 परसेंटाइल में फॉल करेगा, अब ये आपकी शिफ्ट का टॉपर बना है, और इसके अकॉर्डिंगली जो है अब नीचे मेरिट बनाया जाएगा, हर शिफ्ट से सिलेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को उठाया जाएगा। सपोज अगर एक शिफ्ट से 10 बच्चे लेने हैं
10 बच्चे लेने हैं, तो अगर यहाँ पे 76 से जा रहा है स्कोर नीचे 70 तक, वो 10 बच्चे बन रहे हैं। दूसरी शिफ्ट से जा रहा है टॉपर जी हमारा 65 करके और नीचे जा रहा है वो 55 तक, ये 10 बच्चे बनेंगे। मतलब हर शिफ्ट का टॉपर जो है अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंगली वो 100 परसेंटाइल में फॉल करेगा और उसके अकॉर्डिंगली दूसरे बच्चों को चेक किया जाएगा इस फॉर्मूले के साथ। कौन सा फॉर्मूला जो मैं बता रहा था, तो मैं ये वाला फॉर्मूला बोल रहा था कि ये वाला फॉर्मूला जो है लगेगा। तो आपने देखना है कि आपकी शिफ्ट का टॉपर कितना है, सपोज वो 60 भी हो सकता है 70 भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हर शिफ्ट से अगर 10 बच्चे या 20 बच्चे या 30 बच्चे ले रहे हैं तो वो पहली शिफ्ट से अगर 30 बच्चे लिए तो 70 से शुरू किया तो वो 50 तक भी आ सकते हैं पहली शिफ्ट से। दूसरी शिफ्ट से अगर टॉपर 60 ही है तो 60 से शुरू करके नीचे 30 बच्चे कहाँ तक जाएंगे। तो आपने देखना है कि आप अपनी शिफ्ट में कितना स्कोर कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली आपकी शिफ्ट में रैंक क्या आ रहा है, उस रैंक के बिहाव पे ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट से अगर तो बनते हैं बच्चे, मान के चलो 40 बच्चे हर शिफ्ट से लेने हैं, 40 40 40 इस तरह से, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि इस पहली शिफ्ट का टॉपर कितना है। मैंने सपोज किया था 75 ही रखो, दूसरी शिफ्ट का टॉपर 60 है, तीसरी शिफ्ट का टॉपर 50 भी हो सकता है। आपकी अगर किस्मत अच्छी हो सकती है अगर आपका स्कोर कम हो और आपकी शिफ्ट का पेपर टफ आया हो तो 40 आपका अगर टॉपर बन रहा है या 50 आपका टॉपर बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप नीचे अपना स्कोर देखेंगे। तो ये सारा होली सोली डिपेंड करता है इक्विपर्सेंटाइल मेथड जो है आपकी कैंडिडेट की शिफ्ट कौन सी है। यहां पे मैं बता रहा था शिफ्ट कौन सी है, आपका रैंक शिफ्ट में क्या है, आपका स्कोर होने के बाद आपका रैंक कितना बनता है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स इन द शिफ्ट -1 इनटू 100 कर देना तो वो परसेंटाइल बन रही है। तो यहां पे ये परसेंटाइल बन रही है। अब आप देखेंगे एक चीज और मैं यहां पे बताने वाला हूं कि जो ये सब ऑडिटर का एग्जाम हुआ है, एक मिनट मैं आपको वो शीट दिखा देता हूं। तो ये है सब ऑडिटर की शीट, तो यहाँ आप देख सकते हैं 100 परसेंटाइल से नीचे कोई बच्चा है ही नहीं अभी टॉपर्स की लिस्ट में। तो ये अलग अलग शिफ्टों में यहाँ पे जैसे इस शिफ्ट का टॉपर जो है पहली शिफ्ट का जो दिखाया है मानिक संडोत्रा है, दूसरे में शाहनवाज मकबूल है इसकी भी 100 परसेंटाइल है, तीसरा नईम अहमद है, ये मतलब अपनी शिफ्ट के टॉपर है। तो इन टॉपर्स के अकॉर्डिंगली वो जो है रिजल्ट फॉर्मुलेट किया गया है, यहाँ देख सकते हैं 99 है। इस तरह से परसेंटाइल मेथड जो है ये अप्लाई होता है। तो अगर आपको समझ नहीं आई फिर से अगर आप देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, ये अगर आपको समझ आया होगा कि ये परसेंटाइल मेथड किस तरह से अप्लाई होगा जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, तो यहां पर आपको सब ऑडिटर की लिस्ट को देखना होगा। एक बार आप नेट पे जाके JKSSB की वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं तो आराम से देख सकते हैं वहां कि ये इक्वी परसेंटाइल मेथड लगता कैसे है, इससे क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है। नुकसान तो यही है बच्चे का कि अगर तो जो है एग्जाम ईजी आ गया और उसका क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं हुआ तो उसका रैंक थोड़ा दूर आ जाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वरना आपने ये कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर अपनी शिफ्ट में करना है। वो कैसे करोगे वो आपको नहीं पता होगा कि शिफ्ट में कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, अपनी तरफ से पेपर आपने अच्छा करना है। तो यही चीज होती है कि अपनी तरफ से अगर आपने अच्छा किया होगा चाहे आपका रैंक 1 हो 2 हो 3 हो, मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपको डेफिनेटली चांस बन जाता है अपनी शिफ्ट में जितना अच्छा आप स्कोर करोगे उस हिसाब से आपका जो है मेरिट लिस्ट में फॉल करने का चांस जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये आपको बता रहा था कि इक्वी परसेंटाइल मेथड कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, जो आप कट ऑफ ढूंढ रहे हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ढूंढ रहे हो, अब वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऐसे ओवरऑल तो बन ही नहीं सकता, जो आपको बेवकूफ़ बना रहे वो यही कह रहे हैं कि कट ऑफ ऐसे जाएगा। तो पहले तो आपने ये देखना है कि शिफ्टें कितनी हुई एग्ज़ाम की टोटल और कितने दिन एग्ज़ाम चला, टोटल शिफ्ट के अकॉर्डिंगली आपके सेंटर्स में कितने बच्चे थे, आपका स्कोर क्या है, आपका रैंक क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो है इसको मद्देनज़र रख के आपका रिजल्ट जो है वो बनाया जाएगा। तो आई होप कि आपका अच्छा स्कोर होगा अपनी शिफ्ट में और आप अच्छा रैंक हासिल कर पाओगे, उसी बेस पे ये परसेंटाइल जो है बनाई जाएगी।
तो आई होप आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो आपकी टेंशन हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये कहीं ना कहीं आपको इसका हल मिला होगा कि परसेंटाइल जो है उस पे हमारा रैंक कैसे डिसाइड होगा। तो आपको मैं लास्ट पे फिर से बता देता हूँ कि टोटल आपकी कैंडिडेट्स जो है शिफ्ट में कितने थे। अगर उसके हिसाब से आपका रैंक बहुत अच्छा है और उसी को हम आगे लेकर चलेंगे, तो अगर आप टॉपर्स में हो अपनी शिफ्ट में, मैं बाकियों की बात नहीं करूँगा, तो आपके ड्यू एंड डेफिनेट चांसेस बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगा, इससे कुछ भी जानकारी आपको मिली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अवेकन ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट फीडबैक आप ज़रूर दें। इक्वी परसेंटाइल मेथड आपको कैसा लगा? क्या ये सही है? क्या ये इससे आपके चांसेस बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? आपका रैंक आपके अकॉर्डिंगली, आपको क्या लगता है शिफ्ट में कितना होगा, कितना स्कोर किया है, और आपकी शिफ्ट का पेपर इजी था, टफ था, आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंगली जो आपने आस पड़ोस में पूछा होगा उन बच्चों का क्या क्या स्कोर जा रहा है, तो ये सारी जो है चीज़ें आपको पता करनी होंगी खुद से भी। और आई होप कि आपका रिजल्ट अच्छा रहे। मेरी तरफ से सबको ऑल दी बेस्ट एंड गुड विशेस। जाते जाते मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें, फीडबैक जरूर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेन्स।